हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में आपको बहुत सुंदर बेबी फ्रॉक की कटिंग व सिलाई करने का तरीका बता रही हूँ। जैसा हमारे घर में ज़्यादातर कपड़ा बच जाता है सूट में से, उसे हम बेकार ही फेंक देते हैं, तो उसके लिए मैं आज बहुत सुंदर, देखो ये कपड़ा बचा हुआ है सूट में से, इसमें से मैं बहुत सुंदर बेबी फ्रॉक बनाने का तरीका बताऊँगी। बेबी फ्रॉक हमें 15 इंच का तैयार करना है। उसके लिए देखो, जो ये हमारा कपड़ा है ये डबल टेम है ऐसे, तो इसके 10 इंच की लंबाई है और इसकी चौड़ाई है 22 इंच की। वो आप अपने अनुसार ले सकते हो कि आपको कितना घेर वाला फ्रॉक बनाना है, हैवी बनाना है या आपको हल्का बनाना है। तो उसके लिए जैसे ये 10 इंच का है, ये मैं कपड़े को पहले इसको ऐसे बराबर कटिंग कर लूँगी, ऐसे इस कपड़े को हम ऐसे बराबर कटिंग कर लेंगे। अब जैसे ही हमारी, मैंने ये घघरी की कटिंग कर ली है, इसके बाद आप इसको इधर से भी बराबर काट लेंगे। ये कपड़ा हमारा इधर से निकला हुआ है ऐसे। अब काटने के बाद इसकी हम लंबाई ऐसे, इसकी लंबाई लेंगे जो हमारे इसकी नीचे घघरी का है, तो ये थोड़ी हैवी हो जाएगी, तो मैं इसमें से थोड़ी पट्टी निकाल लूँगी। ये मैंने रख ली 19 इंच, यहाँ से इसकी कटिंग कर लेंगे हम। कटिंग करने के बाद इस में से, बीच में से इसको अलग अलग कर देंगे। ये साथ में जुड़ा हुआ कपड़ा है ऐसे। अब देखो, जैसे मुझे 15 इंच का फ्रॉक तैयार करना है, इसकी लेंथ हो गई हमारे 10 इंच की, 2 इंच हम नीचे फोल्ड करेंगे तो ये रह जाएगा हमारा 8 इंच, आधा इंच सिलाई मारेगा। तो हम ऐसे ही मतलब 7 इंच तैयार ऊपर की बॉडी रखेंगे, तो ये तो हमारी घघरी हो गई। अब जैसे ये कपड़ा बचा हुआ है, इसमें से हम वो ऐसे इस तरह से इसमें से हम बॉडी निकालेंगे। उसकी लंबाई हम ऐसे रखेंगे, जैसे मैंने ये कपड़े को फोल्ड कर दिया, हम इसकी चौड़ाई 10 इंच है, हम 10 इंच ही रखेंगे, क्योंकि हमारी 8.5 इंच ऊपर की बाड़ी तैयार होगी, 1 इंच हम सिलाई में लेंगे दोनों साइड से, और इसकी लंबाई 6 इंच है। लंबाई हम थोड़ी और बढ़ा लेंगे इसकी ऐसे, लंबाई मैंने इसकी 6.5 इंच कर ली। अब इसकी इधर से कटिंग कर दूंगी। अब ये कटिंग करने के बाद हम इसकी ऐसे इस बॉडी की कटिंग करेंगे इस तरह से। जो छोटी बच्ची है वो आप हेल्थ के हिसाब से अनुसार ले सकते हैं। इसमें मैं यहाँ पे ऐसे 4 इंच का निशान लगाऊंगी, ये निशान, और इसके 4 इंच के ही मैं मुंडों का निशान लगाऊंगी। और आप ये मैं 6 या 7 8 महीने की बच्ची का बेबी फ्रॉक बना रही हूँ। आप अपने बच्चे के हेल्थ के अनुसार इसको छोटा या बड़ा कर सकते हो ऐसे, और 2 इंच का गले का निशान लग जाएगा चौड़ाई में, और ऐसे 2.5 इंच का मैं आगे की साइड का निशान लगाऊंगी, और 2 इंच का मैं पीछे की साइड का निशान लगाऊंगी। ये पीछे वाली साइड का निशान हो गया और ये आगे वाला हो गया। अब हम इसकी, इसके बाद हम इसकी कटिंग कर देंगे। ये मैंने इसकी कटिंग कर दी, गले की कटिंग पहले जैसे ऐसे मैं पहले ऐसे पीछे वाले गले की करूँ इस तरह से, ये जो हमारे जुड़े हुए है इसकी ऐसे कट कर देंगे। और कट करने के बाद ये हमारा पहले आगे वाला पीस लेंगे ऐसे। अब इसके गले की ऐसे कटिंग कर देंगे, ये हमारा आगे वाला गला होता है। अब इसके बाद पीछे वाले जो हमारा ये पीछे का पीस है, इसको हम बीच में से कट करते हैं ऐसे। इसमें हम हुक और बटन वाली पट्टी लगाएंगे, ये हमारे बॉडी हो गई। अब मैं इसमें छोटी छोटी बाजू भी लगाऊंगी, जिस बाजू में हम लास्टिक डालेंगे, या तो आप वो बाजू लगा सकते हो या आप झालर लगा सकते हो। अब मैं इसमें जैसे ये ऐसे करके, ये हमारा डबल वो पीस हो गया, इसकी चौड़ाई 4 इंच हो गई और इसकी लंबाई हो गई हमारी 9 इंच। तो इसको हम इस तरह से ऐसे इसकी कटिंग कर देंगे।
आप चाहो तो बाजू लगा सकती हो या इसमें इस तरह से फ्रिल लगा सकती हो। मैं आपको इस फ्रॉक में फ्रिल लगाने का ही तरीका बताऊंगी। देखो ये हमारे फ्रिल ऐसे लगेंगे, जैसे ये हमारे कंधे है तो इसमें हम बाजू की जगह इसको इस टाइप से ऐसे ये हम यहाँ पे फ्रिल लगा देंगे। अगली तरफ आप लेस लगा सकती हो या आप इसको ऐसे ही फोल्ड कर सकती हो। ये हमारा ये डिजाइन तैयार हो गया। इसमें से हम जो ये कपड़ा है इसमें से हम गले की पट्टी की कटिंग करेंगे इस तरह से, जो रेल की पट्टी लगेगी गले में। ये मैं पट्टी की कटिंग कर दी मैंने ऐसे एक या डेढ़ इंच, क्योंकि पट्टी हमारे रेल वाले चकोर कपड़े में से बनती है। ये मैं गले की पट्टी कटिंग कर दी। जो हमारा ये कपड़ा है ये पीछे आई और हुक वाली पट्टी लगेगी उसमें काम आ जाएगा, और इसका फूल या कुछ डिजाइन बना सकते हो। ये हमारे बेबी फ्रॉक की कटिंग तैयार हो गई। अब मैं आपको सिलने का तरीका बताऊंगा। जैसे मैं देखो सिलने के लिए मैं फ्रॉक को सबसे पहले हम कंधे का जोड़ लगाते हैं। ये मैंने कंधे पर जोड़ लगा दिया डबल करके दोनों साइड। अब इसके बाद जो हमारा ये पीछे वाला पीस खुला है इसमें हम आई और हुक की पट्टी लगाएंगे। इसको इस तरह से इसकी बराबर ऐसे कटिंग कर लेंगे पट्टी की, दोनों साइड की पट्टी की मैं ऐसे कटिंग कर दूंगी ऐसे इस पट्टी में से। अब कटिंग करने के बाद एक पट्टी को ऐसे बीच में से काट के, एक पट्टी को तो हम ऐसे लगाएंगे ऐसे सीधी सिलाई करके पट्टी में, और फिर सारी पट्टी को ऐसे अंदर की साइड करके इस तरह से ऐसे फोल्ड कर देंगे, और दूसरी पट्टी को हम ऐसे डबल करके इस तरह से सिलाई लगाएंगे, और फिर पट्टी को इस तरह से करके ऐसे ऊपर सिलाई लगा देंगे। सबसे पहले हम ये हुक वाली पट्टी लगाएंगे इस साइड वाली ऐसे ऐसे सीधी सिलाई लगा के इसको डबल इसको अंदर को फोल्ड कर देंगे। जैसे मैंने दोनों पट्टी लगा दी, ये हुक वाली पट्टी लगा दी ऐसे डबल करके, और ये आई वाली पट्टी लगा दी ऐसे फोल्ड करके ऊपर दो सिलाई लगा दी। अब हम बीच में ऐसे ये लेस लगाएंगे। लेस हम ऐसे लगाएंगे, एक इस साइड से लगाएंगे और दूसरी इस ऐसे लगाएंगे। यहाँ पे गले में बीच में कट करेंगे ऐसे, एक कट कर देंगे और एक कट हम नीचे कर देंगे जिससे हम ये बराबर होगा। अब इस तरह से जैसे मैंने कट कर दिया, अब कट करने के बाद ऐसे ये लेस लगाएंगे। लेस हम ऐसे लगाएंगे, इस कट पे रखेंगे और नीचे कट तक ये सिलाई लगा देंगे। एक लेस हमारी ये हो जाएगी और दूसरी हम ऐसे ही ऊपर की साइड से फिर इस तरह से लगाएंगे। आप इस लेस के ऊपर बटन भी लगा सकते हो या इसको ऐसे भी रख सकते हो, बस इसमें हम ऐसे सीधी सिलाई लगाएंगे। जैसे मैंने इस पे दोनों सिलाई लगा के दोनों तरफ ये लेस लगा दिया। अब इसके बाद हम गले में ये पाइपिंग लगाएंगे। जैसे मैंने पाइपिंग की पट्टी की कटिंग की है, उसके बाद ये हम यहाँ पे जोड़ लगाएंगे। जोड़ हमेशा ऐसे लगाते हैं, जैसे इस साइड तो नीचे की साइड है, इस साइड नुकीली साइड है, तो हम इस तरह से इस रेब को रख के ऐसे सीधी सिलाई लगा देंगे। और सिलाई लगाने के बाद हम इसके गले पर जब ये पट्टी लगाएंगे, जैसे मैंने रेब वाली पट्टी गले के ऐसे चारों तरफ लगा दी, पट्टी में हल्के हाथ से खींच के लगाई है। अब ये सीधी तरफ मुड़ेगी ऐसे, पट्टी को ऐसे मोड़ेंगे और मोड़ने के बाद इसको इस तरह से ऐसे पूरे गले में ऐसे सिलाई लगा देंगे ऐसे। थोड़ी ये पाइपिंग मोटी मोटे वाली है इस तरह से। जैसे देखो मैंने पाइपिंग लगा के इसको ऐसे तैयार कर दिया, ये ऊपर वाली सिलाई लगा दी, और देखो सलवट भी नहीं है, एकदम बिल्कुल सफाई से ये सिलाई लगी है। अब इसके बाद जैसे मैंने ये फ्रिल के लिए कपड़े ये कटिंग की थी, इसको एक साइड से इस तरह से मोड़ के ऐसे ऊपर में ये लेस लगाऊंगी, ये कटा हुआ लेस ऐसे किनारे पे लगा देंगे ऐसे ऐसे दोनों फ्रिल पे इस तरह से ही सिलाई लगा देंगे सीधी, और दूसरी साइड जिधर हम इसकी चुन्नटे डालेंगे उधर बड़ा नंबर करके ऐसे सीधी सिलाई लगा देंगे दोनों पट्टियाँ पर। जैसे मैंने इस फ्रिल को तैयार कर लिया, देखो मैंने यहाँ पे ये लेस लगा दी ऐसे कन्नी अंदर को कन्नी मोड़ मोड़ के
ऐसे, और जो बड़ा नंबर करके मैंने सिलाई लगाई थी उस सिलाई से मैंने इसको धागे को इस तरह से ऐसे खींच के इस तरह से दोनों फ्रिल में ऐसे ही प्लेट डाल दी। अब प्लेट डालने के बाद हम इसको ऐसे फ्रॉक पर लगाएंगे, इसको ऐसे लगाएंगे जैसे ये हमारा मुड्डे है, इसको हम इस तरह से लगाएंगे। देख ऐसे लगेंगे, देखो ये एकदम बिल्कुल बराबर है, इसी के बराबर हमें चुन्नटे डाल दिए हैं धागा खींच के। इसको ऐसे करेंगे उल्टा और दोनों फ्रिल को हम ऐसे ही मुड्डों पर लगा देंगे, ऐसे लगा ऐसे करके ऐसे। अब देखो ये एकदम बिल्कुल बराबर है, इसमें ऐसे सीधी सिलाई लगा देंगे और ऐसे ही हम दूसरे बाजू को भी इस तरह से ही लगा देंगे। जैसे देखो मैंने दोनों बाजू की जगह ये दोनों फ्रिल लगा दिए, फ्रिल की बाजू बना दी, ऐसे खुली बाजू हो जाएगी दोनों तरफ से, दोनों तरफ के बाजू में ऐसे ही लगा दी। अब इसके बाद जो हमारी ये घघरी है इसमें हम ऐसे बड़ा नंबर करके सीधी सिलाई लगाएंगे, और सीधी सिलाई लगाने के बाद जैसे मैंने बाजू की फ्रिल पर चुन्नटे डाली है ऐसे धागा खींच के हम चुन्नटे डाल देंगे, ऐसे धागा खींच के उसके बराबर जितनी हमारी बाड़ी की चौड़ाई है उसके ही बराबर हम धागा खींच के इसमें प्लेट डाल देंगे। सबसे पहले इसमें बड़ा नंबर करके ऐसे सिलाई लगाएंगे। देखो दोनों घघरी पर मैंने बड़े नंबर करके सिलाई लगा के इसकी चुन्नटे डाल दी। चुन्नटे वो ऐसे ही जैसे मैंने बताया है कि ऐसे धागा खींचने से हमारी चुन्नटे डल जाती है। चुन्नटे आप इसके बराबर डालेंगे जैसे ही हमारा बाडी वाला पीस है, जैसे हम इसको ऐसे लगाएंगे इस तरह से। अगर हमें चुन्नटे थोड़ी कम लगती है तो हम थोड़ा धागा और खींच के और चुन्नट को बिल्कुल एकदम बराबर कर लेंगे, ऐसे बिल्कुल बराबर चुन्नटे कर लेंगे दोनों पीस में, ऐसे ही कर लेंगे। और बराबर चुन्नट करने के बाद हम इस तरह से देखो जो पिछले वाला पीस में मैंने आई और की पट्टी लगाई थी वो भी मैंने एक जगह ऐसे सिलाई लगा दी ऊपर नीचे करके, ताकि हमें घघरी जोड़ने में इसमें दिक्कत न आए। तो हम इस तरह से सबसे पहले ऐसे जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद साइड वाली सिलाई लगाएंगे। साइड वाली सिलाई जब हम लगाएंगे तो जो ये हम मैंने फ्रिल लगाई है इसमें हमें सिलाई नहीं लगानी है, नीचे से सिलाई लगानी है, यहाँ से जहाँ से हमारे बॉडी का जोड़ है यहाँ से हम सिलाई लगा के इसमें फिटिंग दे देंगे अपने फ्रॉक में, और नीचे से जितना हमें फोल्ड करना है इतना हम फोल्ड कर लेंगे ऐसे। अब सबसे पहले हम इसकी ये घघरी जोड़ देंगे इस तरह से, ऐसे सीधी सिलाई लगा देंगे घघरी में ऐसे, दोनों पीस को इस तरह से जोड़ के और साइड की सिलाई लगा के नीचे से फोल्ड कर दें। जैसे मैंने देखो नीचे दोनों घघरी जोड़ दी, साइड की सिलाई को ऐसे सिलाई मार दी साइड में, वो ये मैंने ऊपर की जो बाजू लगाई है ये मैंने यहाँ से खुली रखी है और नीचे से फोल्ड कर दिया। ये हमारा बेबी फ्रॉक डिजाइनर बनकर तैयार हो गया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।